न्याय की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है, खासकर एक नौजवान बच्चे के लिए। आपको कई चीजों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लालच, धोखा, नफरत और कभी कभी वक्त ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बैरन एलन पूरी तरह से अपनी जीत के करीब था और रॉबिन के गद्दार दोस्त भी उसके साथ थे। रॉबिन जानता था उसे एक जंग अकेले ही लड़नी होगी। मुझे पता था तुम आओगे। काफी वक्त से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। रॉबिन, लिटिल जॉन, हमने एक साथ काफी सारे रोमांचक दौर देखे हैं रॉबिन, पर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जल्दी सभी सैनिकों का सेनानायक बनने वाला हूँ। तुम्हें अंदर जाने देना मेरे पद के साथ गद्दारी करने जैसा है, क्योंकि तुम एक लुटेरे हो। लिटिल जॉन, तैयार? मैं तैयार हूं। विनिफर्ड, आ जाओ। विनिफर्ड, मैं लिटिल जॉन को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी। मैं उन्हें समझ नहीं पाई। वो हमेशा मुझे तोहफा लाने को कहते थे। मुझे उनकी उल्लू जैसी नाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसका पेट बहुत बड़ा है, है ना? हाँ, हाँ। लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैरियन, मैं जानती हूँ वो हमेशा मुश्किल में रहते हैं, लेकिन उनका दिल सच में बहुत अच्छा है। उनकी याद आती है। वो बुरे इंसान नहीं थे मैरियन। मैं जानती हूँ कि वो इतना बुरा नहीं है। किसी के जाने के बाद हमें एहसास होता है वो कितना खास था। वो वापस जरूर आएगा। अब चलो, हमें अब जाना चाहिए। विनिफर्ड, वाह, तुम नहीं लड़ सकते मोटे गेंडे। ठीक है लिटिल जॉन, तैयार हो जाओ। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ रॉबिन। अच्छा, तो आओ। रॉबिन, तुम चुपचाप हार मान जाओ, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ। लिटिल जॉन, तुम भूल गए मैं रॉबिन हंटिंगटन हूँ। हार मान जाओ। वहाँ पर देखो। रॉबिन, वापस आ जाओ। रॉबिन हुड। लिटिल जॉन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब तुम लुटेरे थे तो ज्यादा ईमानदार थे, अब गद्दार हो। ए, उसे रोको। रुको, रॉबिन हुड है। गद्दार, पकड़ो, इसके ऊपर इनाम है। रुको उसे। महाराज एल्विन, रॉबिन हुड को यहाँ देखा गया है। क्या मतलब कि वो नॉटिंघम में है इस वक्त? हाँ, पर लिटिल जॉन दावा करता है कि उसने उसे शहर से भगा दिया है। वो बदमाश रॉबिन हुड, वो राज्याभिषेक समारोह को बर्बाद करना चाहता है। वो राजकुमार से मिलने की कोशिश करेगा और मैं उसे ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगा। मेरी बात सुनो फॉक्स। हाँ महाराज एल्विन।
निर्माण कार्य आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, तभी हम राज्याभिषेक समारोह कर पाएंगे, समझे? भूलना मत फॉक्स, सारे काम आज ही खत्म हो जाने चाहिए। बस एक बार वो राजा बन जाए फिर सारी ताकतें मेरे पास होंगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कल आपका राज्याभिषेक समारोह है, इसलिए आज पूरी रात आप एक राजा की तरह चलने का अभ्यास करेंगे। मुझे कभी ऐसे चाल चलन की जरूरत नहीं पड़ी एल्विन। सभ्य बर्ताव सीख लो, जरूरत पड़ेगी। और नहीं मुझे जरूरत पड़ी। एक राजा की तरह बात करना सीखो। ये सब बकवास बंद करो एल्विन। ये कोई बकवास नहीं है, मैं राजकुमार को शिक्षा दे रहा हूँ। ओह एल्विन, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। तुम इस बच्चे को मोहरा बनाकर इस देश पर राज करना चाहते हो, है ना? अपने गंदे हाथ इस सिंहासन से दूर रखो एल्विन। मैं समझ गया, क्योंकि आपके हाथ तो बहुत ही पाक साफ हैं। कल के समारोह में मैं ये घोषणा करने वाला हूँ कि आप एक हत्यारे हैं, ये कैसा लगेगा आपको? तुम इसकी हिम्मत नहीं करोगे, और अगर तुमने की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे डर लग रहा है। जल्दी उस पत्थर को हटाओ, मैंने सुना है कि सारा काम आज खत्म हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें ये काम कल सुबह तक किसी भी हाल में खत्म करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। बहुत खूबसूरत काम किया है। जब वो छोटा बच्चा राजा बन जाएगा तो वो वही करेगा जो मैं उसे कहूंगा। इस तरह मैं इंग्लैंड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा, अपराजेय। रॉबिन हुड यहाँ इस शहर में। पर वो कहाँ गया? महाराज क्या कुछ गड़बड़ है? आप काफी परेशान दिख रहे हैं। वो वहाँ है, देखो देखो वहाँ। उसे गिरफ्तार करो। वो फिर गायब हो गया। तो तुम मेरे साथ खेल खेलना चाहते हो रॉबिन हुड? ठीक है, पर जीतूंगा मैं ही। हम एल्विन से लड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, हम एक साथ उसे हरा सकते हैं। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। हमारा साथ दीजिए नॉटिंघम के लोगों, एल्विन के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, तभी हम जीत पाएंगे। ओ, ये सब लोग तो बहुत डरपोक हैं, कोई नहीं आ रहा। उन पर इतना गुस्सा मत करो जेनी, ये सब बेचारे आम आदमी हैं, कोई सैनिक नहीं। ये सब तो ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा। समारोह कुछ समय में शुरू हो जाएगा। हम उन्हें कैसे हरा पाएंगे? ओह, तुम अपने आप को कमजोर मत समझो विनिफर, ठीक है? ठीक है, मुझे माफ करना मैरियन, मैं अब ऐसा नहीं सोचूंगी। कैसे हो मेरे प्यारे? मैं तुम्हें खेलने के लिए बहुत सारे साथी दूंगा जब ताज मेरा हो जाएगा। अब मैं जल्दी ही इंग्लैंड का राजा बन जाऊंगा। मैं फंस गया हूँ। वो चूक गया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बाल बाल बच गया। मेरा निशाना नहीं चूका है एल्विन। अगर उसका निशाना नहीं चूका मतलब वो मुझे मार सकता था। क्यों नहीं किया उसने ये? वो कोई काया नहीं है, सिर्फ मुझे डराना चाहता था, सिर्फ डराना। तुमने बहुत
बड़ी गलती की है रॉबिन हुड, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पास मौका भी था। तुम मुझे कामयाब होने से नहीं रोक पाओगे, मेरे साथ मेरी सेना है। और तुम्हारे पास क्या है? कुछ ये बकवास बेकार से तीर। तुम बिल्कुल अपने बेवकूफ पिता जॉर्ज हंटिंगटन की तरह हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा रॉबिन हुड। तैयारियां अपने चरम सीमा पर थी, महल की इमारत बन चुकी थी, सेना तैयार थी, और आने वाले वक्त में कुछ ऐसा होने वाला था जो लगभग नामुमकिन था। एक बेवकूफ लुटेरा इंग्लैंड का राजा बनने वाला था, जिसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हालांकि नॉटिंगम के सभी नागरिक जानते थे कि ये एल्विन की एक नई चाल है। नॉटिंगम मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है, बहुत जल्दी ही मैं सब कुछ अपने कब्जे में कर लूंगा। इंग्लैंड मेरा होगा और रॉबिन हुड को तो सार्वजनिक रूप से सजा मिलेगी। अच्छी कोशिश थी रॉबिन हुड, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कप्तान क्या सोच रहे हैं? ये ऐसे क्या चुप कर रहे हैं? कुछ बोल क्यों रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है? रॉबिन, लिटिल जॉन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब तुम लुटेरे थे तो ज्यादा ईमानदार थे, अब गद्दार हो। मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब मैं लुटेरा था तब वो मेरी चोरी की आदत की बुराई करता था, अब मैं चोरी नहीं कर रहा तो उसे मैं गद्दार लगता हूँ। मुझे उसकी बात कभी समझ में नहीं आती। ये सही नहीं है, मैं उससे कभी नहीं जीत पाऊंगा। हे चीफ, कोई गड़बड़ तो नहीं? हाँ, तुम्हारे हेलमेट की चौड़ाई गड़बड़ है। सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाओ, सरदार थोड़ा गुस्से में है। मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ? मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, और रॉबिन हुड मेरे बारे में क्या सोचता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत तो मेरी हुई है। हे चीफ, वो देखो, वाओ, आओ, मेरा पैर, देखो मच वहाँ ऊपर है। मच किधर? वो देखो उस खिड़की में। ओ चीफ, उम्मीद करता हूँ तुम और मैं यहाँ से साथ निकले। अब तो तुम राजा बन गए हो, जल्दी हमारे लिए कुछ करो, अपने राज में कुछ ऊंचा पद दो हमें। राजकुमार मच, अब हमें चलना चाहिए। नहीं, महाराज और जनता आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो ये मुझे मार देगा। मच को आज हुआ क्या है? बहुत परेशान लग रहा है, उसे तो आज बहुत खुश होना चाहिए। सिक्के, अपने अपने सिक्के लो, इन सिक्कों पर हमारे नए महाराज का चेहरा बना हुआ है। हम आ गए हैं नए नए सिक्के लेने के लिए, जिस पर हमारे महाराज का चेहरा है, और हम चाहते कि हमें कहीं बोल खुल ना जाए मेरी, और कहीं बैरन ऑलविन के जासूस मुझे पहचान ना ले, फिर तो मुसीबत हो जाएगी मेरे लिए। कुछ करना चाहिए मुझे। ये बिशप हार्टफुट ने नकली मुझे क्यों लगा रखी है? तो यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, आइए मेरे पास और अपने अपने सिक्के लीजिए। मैं बहुत सारे सिक्के लाया हूँ आप सभी के लिए। आइए अपने सिक्के लीजिए, प्यारे प्यारे सिक्के हमारे नए राजा मच के नाम के। कैसे हो चीफ, पहचाना मुझे? हे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो बेर है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे दोस्त? ओ, बात यह है कि मैंने सोचा कि मैं भी राज्याभिषेक समारोह को देख लूं, और तुमसे भी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे चीफ, क्यों है ना? हे, मैं अब शेरवुड जंगल का कोई लुटेरा नहीं हूं। तुम अभी कैप्टन जॉन से बात कर रहे हो, जो नॉटिंगम के सैनिकों का सेनापति है। तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो? ताकि तुम मेरी आंखों में सच देख सको। हाँ? नॉटिंगहम के वासियों, राज्याभिषेक समारोह अब शुरू ही होने वाला है।
करीब एक साल पहले हमारे प्यारे राजा रिचर्ड कहीं गायब हो गए थे और बहुत दुख के साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि शायद अब वो नहीं रहे। ये ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने इस नवयुवक को यहाँ भेज दिया राजा रिचर्ड की गद्दी संभालने के लिए, और हमारे कानून के मुताबिक पिछले एक साल से प्रिंस जॉन यहाँ राज कर रहे थे, लेकिन वो समय बीत गया। अब हमें इंग्लैंड के सिंहासन का उत्तराधिकारी मिल चुका है और वो है प्रिंस मच। क्या तुम मुस्कुरा नहीं सकते हो बच्चे? कुछ ही देर में हम सबको हमारे नए राजा मिल जाएंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। लॉकर दो मुझे। ये लो। ये सबूत है शाही मुहर जो इस नवयुवक ने अपने गले में पहनी हुई थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये शाही मुहर राजा रिचर्ड से ताल्लुक रखती है, इसलिए इस बात में कोई शक नहीं कि ये लड़का सिंहासन का उत्तराधिकारी है, क्योंकि ये राजा रिचर्ड का बेटा है। और ये रहे हमारे राजा मच। वो गद्दी और वो ताज तो मेरा होना चाहिए था। रॉबिन हुड, मैं जानता हूँ तुम यहीं कहीं हो, बस एक बार सामने आ जाओ, फिर मेरे आदमी तुम्हें मार गिराएंगे। सब खत्म, वो राजा बन गया, हम हार गए। हम ऐसे और नहीं बैठ सकते, इस तरह हारने से तो मौत अच्छी। चलो सामना करेंगे। पर विनिफर्ड। हाँ? चलो मैरियन, तुमने तो हमेशा हमें समझाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलो उठो, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। तुम बहुत बहादुर हो मैरियन। हाँ, तुम क्या सोच रही हो, मैं भी लड़ाई में हिस्सा लूंगी। हाँ, पर हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम भी आ गए। हाँ? किसने कहा कि हम अकेले हैं मैरियन? हाँ? तुम्हें बैरन को हराने के लिए मदद चाहिए ना? बिल्कुल सही समझा। हाँ। तुम तैयार हो वे? चलो चलते हैं। अब वक्त है शपथ लेने का। तुम कसम लोगी राजा के लिए वफादार रहोगे? मैं कसम नहीं खाऊंगा, इस बच्चे से तो नहीं जिसको मोहरा बनाकर तुम ये खेल खेल रहे हो। तो तुम मारे जाओगे। ये बहुत शर्मनाक है। झुक जाओ। मेरी इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। एल्विन, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं राजा मच के आदेशों का ईमानदारी के साथ पालन करूंगा। बहुत अच्छे, वाकई में बहुत अच्छे। शाही ताज को ले आओ। शुभकामनाएं मच, इंग्लैंड के नए महाराज। मुझे ये पसंद नहीं। मेरे प्यारे महाराज, अब आप पूरे इंग्लैंड के महाराज हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं, आप उनसे कुछ कहिए। चलो बोलो बेवकूफ, जो मैंने तुम्हें सिखाया था। बैरन एल्विन, इस देश को अब तुम संभालो। तुम बोलो भी। बैरन, तुम इस देश को, क्या कहा था तुमने, ऐसे कुछ कहा था ना, बैरन चलाएगा इस देश को, ऐसे कुछ। जरा जोर से बोलो। ठीक है, बोलता हूँ। रॉबिन। हाँ, वो रॉबिन हो रही है। देखो वहाँ ऊपर।
देखो उधर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते रॉबिन। फिक्र मत करो रॉबिन, हम तुम्हारे साथ हैं। एल्विन, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का, और उसके लिए तुम्हें अपने घुटनों पे बैठ के जनता से माफी मांगनी होगी। तुम जुर्म की बात कर रहे हो जबकि तुम खुद एक मुजरिम हो। एल्विन, इस बार मैं चूकूंगा नहीं। रॉबिन, अगर उसने बैरन एल्विन को घायल करने की कोशिश की तो हमें उसे मारना ही होगा। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। वो तीर नहीं चलाएगा, वो इतना बुरा नहीं है। हिम्मत है तो तीर चलाओ रॉबिन, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते हो हुड, और ये तुम जानते हो। हाँ।